हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSL क्लासेस एंड 500 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में वंस अगेन सबका वेलकम है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स के बारे में बात कर रहे थे पिछली वीडियो में भी। पार्ट वन में हमने अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, ईथर्स एंड हैलाइड्स के बारे में टेस्ट देखे थे, और आई थिंक आपने थोड़ी प्रैक्टिस भी की होगी उन क्वेश्चंस की। एंड कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप जो DSL क्लासेस 24 के नाम से है, एंड या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चल आज हम पार्ट टू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स की प्लस एमाइंस पार्ट फोर की, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट तो उसमें डिडक्ट हो चुका है। तो बेटा हम जो है आप 10th पास करने के बाद हम जब 11th में आते हैं तो हम बड़े खुशी खुशी PCM PCB लेते हैं। हम कैरियर के बारे में थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि 2 साल तो हमें अब साइंस करनी ही है, तो हमने साइंस ले ली है, हमने कॉमर्स ले ली है, हम अपने मनचाहे फील्ड में जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम 12th में अब आ गए हैं और नियर टू एंड हो रहा है हमारे सेशन का, तो हम बहुत कन्फ्यूज भी रहते हैं कि भाई इस हमने सोचा तो था PCM PCB लेकर, या हमने ये सब्जेक्ट ले लिए थे और हमने बहुत सोचा था कि हम BTech करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे एंड मेडिकल में जाएंगे। लेकिन आसपास के लोगों को देख के काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी आते हैं कि अरे वो तो BTech करके भी ऐसे कर रहा है, उसको समझ अभी तक कैरियर वाइज से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली है, या मेडिकल में तो बहुत लंबा रूट है। तो देख के बहुत कन्फ्यूजन्स आते हैं कि हम व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या, हम क्या करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए ही अनअकैडमी जो है वो कैरियर क्वेस्ट लेके आया है, जो कि 28 और 29 को होना है, एंड सुबह 10 बजे से 9, ये आपका 5 बजे तक का टाइम है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई आपको पैसे डिपॉजिट नहीं करने, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना। आपको जो कैरियर काउंसलिंग की जाएगी वो अपने अपने माने जाने फील्ड के लोग आपको काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे उनके फील्ड के बारे में, समझाएंगे, उनके बेनिफिट्स बताएंगे, एंड आपको बहुत मदद मिलने वाली है अपने 12th के बाद में आप क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जा सकते हो, कहाँ अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग क्या अच्छा 100% परफॉर्म करके स्टेबिलिटी ला सकते हो, ये बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ ज्वाइन दैट, 29 आपका ये होगा 10 बजे से 5 बजे तक, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक, पार्ट वन में हमने देखा अल्कोहल्स और हैलाइड्स के बारे में टेस्ट देखे, आज मैं आपको कुछ पार्ट्स कराने जा रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एमाइंस के। तो पहला पेयर है मेरे सामने एसीटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो हमने टेस्ट तो मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से इसके लिए याद करने हैं आपको। एसीटल्डिहाइड जो है वो क्योंकि हैविंग द CH3CHO ग्रुप, और एसीटोन में भी मिथाइलेशन है, तो वी कॉन्ट डू आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि दोनों में ही मिथाइलेटेड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर हम कर सकते हैं एक क्लियर कट एल्डिहाइड है और दूसरा क्लियर कट कीटोन है, तो बेस्ट हमारा टेस्ट जो है टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग 1 और 2 रिएजेंट, या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट आप अप्लाई कर सकते हो। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे करते हैं। हम कंपाउंड लेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, एक में एसीटल्डिहाइड लेंगे जो हमें दिया गया है ए एंड बी। अब हमें नहीं मालूम किस में एसीटल्डिहाइड है किस में एसीटोन है, तो हमने दोनों में ही टॉलेंस रिएजेंट डालना है टेस्ट ट्यूब में, एंड दोनों टेस्ट ट्यूब को लगभग 10 मिनट तक जो है उसको 1 मिनट से 10 मिनट तक, वो डिपेंड करता है कि हीटिंग कितनी जा रही है, तो वाटर बाथ पर रखकर आपको 10 मिनट तक उसे लगातार हीट करना है, एंड देन इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है, स्लो हीटिंग। कुछ टाइम बाद जिस टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर मिरर सिल्वर जैसा शाइनी ग्रेइश प्रेसिपिटेट मिलेगा अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, वो होगा एसीटल्डिहाइड या एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड्स में आता है ये टेस्ट। और दूसरा जिसमें नहीं आएगा ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, जो नेगेटिव टेस्ट देगा ये, वो होगा एसीटोन
या कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। अब इसमें आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो, या वन मार्क क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर ऑक्साइड का एक ब्राउन प्रेसिपिटेट है जिसमें हम धीरे धीरे अमोनिया की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है। ये टॉलरेंस रिएजेंट जब हम कंपाउंड जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप है जैसे ग्लूकोज है, या मतलब बायोमोलिक्यूल में भी हम ये टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो ग्लूकोज में जैसे हम कर सकते हैं, या फिर कोई भी एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड्स हैं सब में ये टेस्ट आएगा। तो उस कंपाउंड में हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट डालेंगे और फिर इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो हीटिंग करेंगे वाटर बाथ पर। तो यदि वो एल्डिहाइड है कंपाउंड तो उसमें हमें सिल्वर निकल कर कॉम्प्लेक्स में से बाहर आ जाएगा, और क्योंकि वो हैवी मेटल है तो अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब वो इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो आप रिएक्शन भी लिखेंगे साथ में और टेस्ट भी वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पेयर मैं ले रही हूँ एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड का। नाउ बोथ आर एल्डिहाइड्स। अब हम सोच में आ जाते हैं कि दोनों ही एल्डिहाइड्स हैं, तो ना तो हमारा टॉलरेंस, ना हमारा बेनेडिक्ट, ना हमारा फेलिंग ए एंड बी टेस्ट यहाँ नहीं जाता, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड्स आ गए, दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो इन दैट केस हमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं कहाँ पर, आयोडोफॉर्म टेस्ट पर, कि इनमें से देखें किसी का फंक्शनल ग्रुप मिथाइलेटेड तो नहीं है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है वो मिथाइलेटेड नहीं है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप मिथाइलेटेड है, CH3 से जुड़ा है। तो एसिटाल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा और फॉर्मल्डिहाइड में यही टेस्ट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म होगा। और अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट मैंने आपको पहले पिछले इसमें बता ही दिया था। आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम कंपाउंड में NaOH और आयोडीन डालते हैं और उसे 15 मिनट तक वाटर बाथ तक पर हीट करते हैं, तो येलो PPT बनता है दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइलेटेड एल्डिहाइड और मिथाइलेटेड कीटोन और मिथाइलेटेड अल्कोहल। ये एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल तीनों देते हैं, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप मिथाइलेटेड होना चाहिए। तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं कहाँ के लिए, जहाँ पर दोनों कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए वहाँ। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है कि जब दोनों तरफ आप देखो कि एल्डिहाइड है, दोनों साइड देखो कीटोन है, दोनों पेयर में आप देखो कि अल्कोहल ही है, तो 100% आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि उनमें मिथाइलेटेड ग्रुप का डिफरेंस होगा 100%। नेक्स्ट मेरी तरफ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कंपाउंड है टेस्ट के लिए वो है अमाइंस के, एन मिथाइल मिथेन अमाइन एंड मिथेन अमाइन। मिथेन अमाइन जो है वो प्राइमरी अमाइन है, एंड एन मिथाइल मिथेन अमाइन का जब आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो ये सेकेंडरी अमाइंस है। तो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट एक ऐसा हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो एक ऐसा रिएजेंट है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को एक साथ जो है डिफ्रेंशिएशन उससे हो सकता है। जैसे ल्यूकास से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ये क्या होता है, ये भी वन मार्क्स में आ सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कंपाउंड है, और इसे जब हम प्राइमरी अमीन्स में डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर दोनों कंपाउंड में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, तो जो प्राइमरी अमीन्स होंगे उनमें हमें येलो सॉलिड PPT मिलेगा जो कि NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी जो अमाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते तो हैं येलो कंपाउंड लेकिन वो ऑयली कंपाउंड होता है, सॉलिड नहीं होता, और वो इनसॉल्युबल इन NaOH होता है। तो ये यहाँ जिस कंपाउंड में जिस भी टेस्ट ट्यूब में हमें ऐसा डिफरेंस मिलेगा जिसमें येलो PPT आएगा वो होगा हमारा मिथेनामाइन, और जिसमें ऑयली कंपाउंड मिलेगा वो होगा हमारा सेकेंडरी एमीन। ठीक है, तो आप पूछेंगे टर्शरी के लिए क्या है भाई, टर्शरी के लिए क्या होता है। टर्शरी के लिए ये हमने एक पेयर ले लिया,
एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन एन एन मिथाइल मिथेनामाइन, ये है सेकेंडरी एमीन और ये है हमारा टर्शरी एमीन। तो टर्शरी एमीन्स जो होते हैं वो हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, कोई प्रेसिपिटेट कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्टिविटी। और सेकेंडरी में तो अभी आपको मैंने बताया था कि कंपाउंड में जब हम रिएजेंट डालते हैं तो येलो ऑयली कंपाउंड जो कि एनएमएच में इनसॉल्युबल होता है वो बन जाता है। तो दैट इज़ अ सेकेंडरी, जिसमें ये बने ऑयली कंपाउंड वो सेकेंडरी है, और जिसमें बिल्कुल कोई रिएक्शन ही ना हो वो होगा हमारा टर्शरी एमाइन। ठीक है, बहुत इजी है हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट करना, एक ही टेस्ट से, एक ही रिएजेंट से हम तीनों का डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द एरोमेटिक एंड, यदि अल्काइल एमीन आ जाए तो, जैसे कि मेरा एक मनचाहा पेयर है इथेनामाइन एंड बेंजाइल एमीन। इथेनामाइन जो है वो एराइल अल्काइल एमीन्स में आता है, बेंजाइल एमीन जो है वो एराइल का भी साइड चेन में एमीन्स है। तो बेंजाइल कंडीशन आपको पता होगी CH2 कंडीशन है, प्राइमरी CH2 कंडीशन है बेंजीन से लगी हुई। इन दैट केस आप क्या करोगे, एल्काइल एमीन्स के लिए जो एल्काइल प्राइमरी एमीन्स होते हैं वो कार्बिल एमीन टेस्ट देते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंपाउंड में हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म डाल के हीट कर देंगे, दोनों में ही डालेंगे। तो जिसमें हमें फाउल स्मेल मिलेगी वो होगा इथेनामाइन, क्योंकि वो प्राइमरी अल्काइल एमीन है, और जिसमें नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं बनेगा वो होगा हमारा बेंजाइल एमीन। तो ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने टेस्ट कौन सा यूज़ किया, कार्बिल एमीन टेस्ट यूज़ किया। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ये 10 जो पेयर हो गए हैं, 10-12 पेयर्स पार्ट वन के एंड पार्ट 2, 3, 4 चारों के मिला के लगभग पार्ट 1 और 2 में मैंने आपसे 10-12 पेयर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ से नहीं जाएगा। ये पेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिले, दो पेयर्स ज़रूर मिल जाएंगे। एंड ये यकीन मानिए ये 100% ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बेस पर हमें डिस्टिंग्विश करना। तो ये हमारा आज का डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर पैटर्न 3 जो है वो रेडी हो गया है। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, एंड आप कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करना बनता है। और अब आप इसके बाद एक और एक्टिविटीज़ देखेंगे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के ऊपर बेस्ड ही, प्रैक्टिकल्स मैं आपको बता रही हूँ, एंड जिसकी सीरीज़ में मैं आपको कॉपी कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखी जाती है वो भी आपके पास वीडियो आने वाली है, उसके बेस पर आप उसे देखकर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को रेडी करना भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करते हैं एक और नए पैटर्न को लेकर। टिल देन बाय।